हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का जो री एग्जाम हुआ है, इसमें आंसर की डाउनलोड कैसे करेंगे आप सभी और उत्तर पुस्तिका क्रमांक कैसे पाएं जब आंसर की डाउनलोड करने जाते हैं। और वहीं अगर आप सबको किसी प्रश्न पर आपत्ति है, मान लो आपने वह क्वेश्चन सही सिलेक्ट किया था और इस आंसर की में गलत दिखा रहा है, दूसरा आंसर सही दिखा रहा है, तो आप उस क्वेश्चन पर आपत्ति कैसे ले पाएंगे। और वहीं इसी के साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल का सभी कैटेगरीज का फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा, यह भी मैं सबको बताने वाला हूं। तो इसी के साथ दोस्तों शुरू करता हूं मैं आज का यह वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वहीं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रक्रिया बता दूं कि आपको सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर पर sarkarirezult.com सर्च करना है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको ऐसे नहीं पता तो आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और वहीं आपको डाउनलोड आंसर की के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इसी के साथ दोस्तों क्लिक करने के बाद आप सबके सामने कुछ समय में एक पेज खुलकर आ जाएगा और इस पेज में आपका पंजीकरण संख्या पड़ेगा और वहीं जन्म तिथि यानी आपका डेट ऑफ बर्थ पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको दाखिल करना, जहां पे लिखा है साइन इन उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप दूसरे पेज में पहुंच जाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आपके सामने जो नया पेज खुलेगा उसमें आपको अगर आंसर की देखना है तो आपको कुछ नहीं करना, मेक ऑप्शन पर क्लिक करना है। और मेक ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसमें आपका उत्तर पुस्तिका क्रमांक पूछेगा और उत्तर पुस्तिका क्रमांक आप कैसे पाएंगे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट अब ये बन जाता है। दोस्तों उत्तर पुस्तिका क्रमांक जो आप एग्जाम देने गए थे और एग्जाम के समय में जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला था उस पर आपका उत्तर पुस्तिका क्रमांक पड़ा होता है, तो बस आपको वहीं से ले लेना है और यहाँ पर आकर फुल फिल कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ पर फिल करेंगे और आप फिर से इंटर करेंगे तो आपके सामने आंसर की पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी। और इस आंसर की लिस्ट में आप देख पा रहे हैं कि 100 से लेकर 150 क्वेश्चन तक टोटल आपके सामने जो उत्तर है वो लाइन वाइज लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसके साइड में ABCD करके जो राइट आंसर है आंसर की का यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल का ऑफिशियल जो उत्तर है वह इधर लाइन वाइज दिया गया है। और वहीं अगर किसी क्वेश्चन पर आपको आपत्ति है तो आपको इधर साइड में सेलेक्ट का ऑप्शन दिया जा रहा है और साइड में एक और खांचा दिया हुआ है, उस खांचे में आपको अपनी डिटेल फिल करनी है कि मतलब क्या क्या इसमें डाउट है और क्या समस्या आ रही है। और इसी के साथ आप उससे संबंधित कोई भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है कहीं पर से आपने पढ़ा हुआ है तो आपको बस उसका फोटो या स्क्रीनशॉट या PDF लेना है और यहाँ पर अटैच कर देना है और उसको सबमिट कर देना है। ऐसा करने के बाद आपका जो ऑब्जेक्शन है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वेबसाइट पर पहुँच जाएगा और अगर आपने जो आपत्ति ली है और उसके संबंध में जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं वह सत्य पाए जाते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, तो आपके आंसर को जो आंसर की में दिया गया है उसमें बदलाव कर आपका मार्क पक्का कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। और इसी के साथ दोस्तों एक पॉइंट हमारा और छूट रहा है, किसमें अभी एक पॉइंट मैंने और भी मेंशन किया था जो हमारे थंबनेल पर, कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का एक अनुमानित कट ऑफ क्या जाएगा, मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपने जनरल कैटेगरी में टोटल 220 मार्क्स हासिल कर लिए हैं यानी 110 क्वेश्चन अगर आपके एकदम करेक्ट हैं सारे निगेटिव मार्क्स वगैरह घटाकर, तो आप जनरल कैटेगरी में सेफ स्कोर के जोन में हैं। और वहीं इसी के साथ EWS के लिए अगर आपके 215 प्लस मार्क हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और वहीं इसी के साथ यह क्राइटेरिया OBC में भी लागू होती है, OBC में अगर आपके मार्क 210 प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और वहीं इसी के साथ SC ST की बात कर ले तो SC ST कैटेगरी में 200 प्लस भी अगर आपके मार्क हैं तो आपको आगे फिजिकल वगैरह की तैयारी करनी चाहिए और आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैंने इस वीडियो में आप सबके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जा रहा है तो आप कमेंट कर हमें इसकी जानकारी दे सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी समस्या को दूर करने की कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।